क्या है? चारपाई छाप। जियो ट्रेन के लिए जाके गाँव प्रचार कैसे करोगे जा करके? कि जी चाची दादी नमस्ते, जीवन यादव जी पे वोट दीजिए लो, यही कहना चाहेंगे बस। बताइए जीवन जी। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बच्चे भगवान के दूसरे रूप होते हैं और आज जीवन जादू जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनका दौरा तिलकत्थू और आसपास के इलाकों में चल रहा था। एक 12 साल के बच्चे जो कि ब्राह्मण समाज से और उन्हें पता चला, वो बच्चा साइकिल से गाड़ी के पीछे पीछे जीवन जादव से मिलने के लिए पहुंच गया। और आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जिसे प्यार से लोग चुलबुल पांडे कहते थे और छोटा बच्चा जिसके गले में माला है आप देख सकते हैं, वो अपने एक दोस्त को लेकर के और जीवन जादव से मिलने के लिए चला आया। और आकर के जीवन जादव से मिला भी और उसने कहा कि मैं जीवन जादव से मिलने आया हूं और साइकिल से मैं आ गया हूं, मैं हसनपुरा का रहने वाला हूं। बच्चे जिस तरीके से वो बच्चा बात कर रहा था उसे देख करके लग रहा था कि कोई छोटा व्यक्ति नहीं बल्कि कोई बड़ा और विद्वान आदमी बात कर रहा है। जीवन जादव भी सुन करके इस बच्चे की बात को पूरी तरीके से हतप्रभ रह गए। हालाँकि उस बच्चे ने यह भी कहा कि हम जाएंगे और लोगों के बीच जाकर के माता चाचा जो भी दादी हैं सबसे आपके पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से क्या कुछ कहा। क्या बाबू कहाँ आए हो, किनसे मिलने आए हो? यहीं पे अपने जीवन यादव जी से मिलने आए हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम यही नमस्ते करेंगे कि इन्हीं पे वोट दीजिए, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। अच्छा। पूरा कर्मठ लेता है, इन्हीं पे वोट दीजिए, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। हाँ। जी नाम हुआ मेरा आशीष कुमार पांडे। घर कहाँ है? हसनपुरा नगर पंचायत। तो कैसे तुम साइकिल से देख रहे हैं कि आ रहे हो, किस चीज से आए हो? साइकिल से आए हम। साइकिल से दौड़ गए हो? कैसे पता चला है कि जीवन जादव यहाँ पे आ रहे हैं? मतलब कोई आया था, मतलब डरडरा का दूध देने आए थे हमारे गांव में, तो बोले कि आने वाले हैं जीवन यादव जी, तो हम बोले कि चलो एक बार देख लिया जाए। अच्छा। तो हम चल दिए देखने के लिए। हाँ। तो क्या चीज से आ गए? साइकिल से आ गए हैं। इनको एक बार हमारे मम्मी भी देखे थे, आए थे वहाँ पे। साइकिल चला करके आ गए? साइकिल चला करके मिले हो? मिले। क्या कुछ बात हुआ है? बहुत बातचीत हुआ है। क्या हुआ है, क्या बोले हैं? बोले हैं कि बहुत बढ़िया है, इसी तरह मतलब गांव में प्रचार कीजिएगा तो हम गांव में प्रचार करेंगे अपना, कि जीवन यादव जी पे वोट दीजिए लो। पता है कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? चारपाई छाप। जियो ट्रेन के लिए जाके गांव में प्रचार कैसे करोगे जा करके? कि जी चाची दादी नमस्ते, जीवन यादव जी पे वोट दीजिए लो, यही कहना चाहेंगे बस। बताइए जीवन जी। अरे भाई कितना उम्र हुआ तुम्हारा बाबू? हमारा 12 वर्ष उम्र हुआ। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? सेवेंथ में। कहाँ पर? यही हसनपुरा उत्कर्मित मध्य विद्यालय। नाम बता दो बाबू। UMS हसनपुरा। अपना नाम बता दो। हमारा नाम आशीष कुमार पांडे, शॉर्टकट पांडे जी। बताइए आशीष कुमार पांडे, शॉर्टकट पांडे जी। पांडे का नाम रहता है? पांडे, चुलबुल पांडे। आज से हम इस लड़के का नाम रखते हैं चुलबुल पांडे। वाह। हमको तो रखो अपना नाम चुलबुल पांडे, पांडे जी नहीं चुलबुल पांडे। ठीक है। बताइए बच्चा साइकिल से ये लोग बहुत देर से पीछा कर रहा है। हम लोग यहाँ भोजन के लिए रुके हैं, बेचारा आया है। कहा है कि हम जबड़ा फैन है। क्या चीज? जबड़ा। जबरदस्त फैन है। तो हम बोले भाई चलिए, तो हमको भी मौका मिला तो छोटे भाई का नाम चुलबुल पांडे रख दिए। आने वाला समय में ये नेता होगा या दरोगा होगा, कन्फर्म है। अगर 20 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद अगर हमारी जिंदगी रही तो पक्का इसको हम विधायक के रूप में देखेंगे, क्योंकि इसको बोलने का तरीका हमसे भी बढ़िया है। मैंने है टैलेंट है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा इतना फ्रेंडली बोल रहा है और राजनीति में इसका इतना इंटरेस्ट है कि एक नेता के पीछे घूम रहा है, पीछे साइकिल से पहुंच रहा है, ये सुन रहे हैं, बता रहा है लोग, नॉमिनेशन में भी साइकिल से गया था हसनपुरा। आपको कैसे पता चला है कि भाई इतने लोगों की भीड़ में ये बच्चा अचानक? लोग बताया है कि भाई कह रहा है कि जबड़ा जबरदस्त फैन है, आया है कोई, तो हमको मुलाकात करो भाई। तो मुलाकात के बात करने का स्टाइल इसका 12 साल की उम्र में और इस तरीके से फराटेदार ये 25 साल की उम्र में विधायक हो जाएगा। हम लोग 25 साल की उम्र में हम लोग पढ़ रहे थे विधायक हो जाएगा। इसके अंदर टैलेंट है।
एक अपना अपना असिस्टेंट भी रखा है साथ में। मॉनिटर है तब तो तुमको एकदम दाब कर रखता होगा। मेरा कहता है जो काम है तो करके दिखाओ। बॉस है, बॉस है। क्या बोला है, कहाँ चलने के लिए बोला है कि साथ में तुम आए हो? क्या बोला है? ये बोले कि चलिए। हाँ, बोला है चलिए घूम के आ रहे हैं, आए हैं मुखिया जी, चलिए घूम के आ रहे हैं, तो घूम आ रहे हैं। तीन हम जा रहे हैं सालकी से। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो लोग? हसनपुरा से। तो किन से आकर के मिले हो यहाँ पर? दस मिनट मिल लिए, क्या बोले हैं? जीवन जी कह रहे हैं कि विधायक बनाएंगे नहीं तो दरोगा बनाएंगे, क्या बोलो भाई? बनाएंगे तो बन जाएंगे, चाहे अपने से बनेंगे। हाँ एकदम, नेता बनने का शौक है इन्हीं की तरह। मिलेगा तो छोड़ा थोड़े जाएंगे।